अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर रो रहे थे मॉर्निंग, ये वीडियोस मॉर्निंग की है और यहाँ पर शुरू हो रही थी मेरी डे रूटीन। आप इसको मेरी डे रूटीन समझिए या मेरी लाइफ के कुछ खास पल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये हैं शूज़ जो मेरे छोटे वाले भाई ने मंगवाए हैं शॉप से। ये मतलब लेडीज़ शूज़ हैं ये, और जब हमने ऑर्डर किया तो हमने ध्यान नहीं दिया कि ये लेडीज़ है या जेंट्स है, बस उसको ये पसंद आए तो उसने बोला कि इसको ऑर्डर कर दो। मैंने इसको ऑर्डर कर दिए। ये आए हैं 300 रुपये में, 300 रुपये में 4 रुपये बचे हैं, इतने के आए हैं ये शूज। वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन है इनका, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये लेडी शूज़ है, और जब मैंने बाद में ऑर्डर्स देखा उसमें वुमन लिखा हुआ आया, तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ये तो लेडी शूज़ है। तो मम्मी ने बताया कि भाई को मत बताना वरना वो पहनेगा नहीं, वो मना कर देगा इनको पहनने से। और ये थे कबूतर जो मेरे भाई ने पाल रखे हैं, दोनों भाई ने, और वो शाम के टाइम इनको खोल देते हैं। वो भाई लोग तो देर से काम से आते हैं इसीलिए अम्मी ही इनको खोल देती हैं। और ये खान दाना वगैरह चुग के पानी पी कर, और ये हम क्या डालती हैं अम्मी इनको, अनाज उनू जो भी डालती होगी। खैर आज की मेरी वीडियो है पांच हेल्थ टिप्स बताने वाली हूँ आज मैं आपको, जो आपको पता है कि सर्दी का मौसम आने वाला है और इस टाइम पर बीमारियां शुरू हो जाती है, लोग बीमार होने लगते हैं, बुखार, जुकाम, सर दर्द, कमर दर्द, और सबसे ज़्यादा तो दर्द की होने लगती है, सबको दर्द होने लगता है। तो मैं एक दर्द का मतलब एक बहुत अच्छा इलाज बता देती हूँ दर्द के लिए, जो मैं भी खुद भी मैं उसको करती हूँ और मैं करने को भी बोलती हूँ कि जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले टिप्स हैं मेरी हेल्थ टिप्स में से, 5 टिप्स में से एक टिप्स है नंबर 1 कि आप रोज़ शाम को सोते टाइम हल्दी वाला दूध पिए। दूध को गर्म करने के बाद और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें, और अगर आप ऐसे ही पी सकते हैं तो बिना चीनी का पी लें। अगर शुगर है तो प्लीज़ चीनी मत डालें, आप गुड़ डाल सकते हैं दूध में, और आधा चम्मच या 1 चम्मच मक्खन डालें। ये बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल दूध है, हल्दी और मक्खन डालकर बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देता है। तो मेरी एक टिप्स तो ये हो गई, और मेरी दूसरी टिप्स है अदरक वाला पानी। आजकल हम देखते हैं कि हम लोगों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, गले में खराश ऐसे रहते हैं, खुजली आती रहती है बार बार, कभी कभी सूखी खांसी हो जाती है, बार बार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो गले के लिए बेहतरीन टिप्स है कि एक टुकड़ा छोटा सा अदरक का लें और उसको अच्छे से बारीक पीस कर और 1 गिलास पानी में उबालें, और जब 1 गिलास पानी आधा गिलास में बदल रह जाए तो उसमें नमक डालकर फिर। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल पानी है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है और सूखी खांसी हो रही है, मैं अभी इसको ट्राई कर रही हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। अगर हम दुकान से सिरप लेते हैं तो नंबर 3 तो हो गई मेरी, ये नंबर 2 हो गई अदरक वाला पानी, और नंबर 1 है दूध हल्दी वाला, और नंबर 3 की है मेरी जो मतलब जो हम पानी पीते हैं उसको थोड़ा हमको गर्म करके पीना है पानी को। जैसे जैसे सर्दी आती है ऐसे ऐसे इन्फेक्शन फैलता है, जुकाम वाला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जब भी हम पानी पिए पानी को हमें हल्का गर्म करके ही पीना है, नंबर 3 होगी। और नंबर 4 हो गई कि जैसे ही अब मतलब कुछ लेडीज़ ऐसे होती हैं कि उनको लगने लगता है कि उनका गला ख़राब है और फिर भी वो आइसक्रीम खाने लगती है या ठंडा पानी पीती है, फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड कर दे, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिए और आइसक्रीम वगैरह, ठंडी फल फ्रूट, ठंडी चीज़ें कुछ भी ना खाएँ। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5 हो गया कि जब सुबह के टाइम उठे, जैसे कि सुबह का टाइम मौसम ठंडा होने लगा है तो उसी टाइम पर कुछ अपने साथ सॉल या टॉवल्स, सोल या स्टोल वगैरह लेकर और मुंह पर ढककर जब उठे, जैसे कि उठे तो एकदम से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर आप बिस्तर गर्म बिस्तर छोड़कर एकदम बाहर जाएंगे हवा में तो पक्का आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको जुकाम होगा। तो मेरी ये टिप्स हो गई है 5 टिप्स। मैंने पहली बार टिप्स की वीडियोज़ बनाई है, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस मैं जो अपने साथ करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक मेरा बहुत बेहतरीन सीक्रेट तरीका है कि आप खुश कैसे रहे, अकेले
तो सबसे बेहतरीन तरीका है ये खुश रहने का कि आप सबसे ज़्यादा लोगों के क्लोज ना रहें, एक तो लोगों के पास ना रहें। जब जब आप लोगों के पास रहेंगे लोग आपको जज करेंगे कि आप ऐसे हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप काले हो, आपने क्या पहना है, ऐसे मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, ऐसे बाल नहीं खोलने चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल लोगों की बातों पर ध्यान ना दो, सिर्फ अपनी खुद इंडिपेंडेंट बनो, खुद मतलब खुद ऐसे बनो कि लोग आपको देखें तो, आजकल तो लोग आप देखते हैं तो खुशी नहीं होते, जलते हैं, चाहे अगर आप कामयाब होंगे तब भी जलेंगे, अगर आप ना कामयाब होंगे तब भी जलेंगे, लोग आपसे जलती हैं, आप लोगों का जलने का ही काम है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और अपनी सेल्फ़ केयर करें, सेल्फ लव करें और अपने जो आप काम करती हैं उस पर मेहनत करें, अपने काम पर फोकस करें। और हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हमको सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे ना तो लोग हमको इज्जत नहीं देंगे। जब हम नाकामयाब होते हैं ना, जो जब हम कुछ काम नहीं करते, हम पैसे नहीं कमाते, हम घर में पड़े रहते हैं, तो हमारे अपने बहन भाई भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं। कभी कभी तो अम्मी पापा भी शिकायत करने लगते हैं कि कम से कम कुछ तो कर ले। अगर वो कुछ कहेंगे भी नहीं तो वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, पर वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं होगी जो अगर हम काम करते हैं तो वो हमको देखकर खुश होते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होगी इनके। तो ज़िंदगी में मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी टर्निंग पॉइंट आए, कितनी भी मुश्किल आए, रुके नहीं, लाइफ में रुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, बेहतर से बेहतर करते जाओ। अगर हारोगे, गिरोगे, नीचे गिरोगे, हारोगे, गिरोगे, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाता है। और ये सीखते सीखते ही सब कुछ होता है, मतलब आज मैं जो हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक डिज़ाइनर हूँ अच्छी खासी, और मैं कपड़े डिज़ाइन करती हूँ, मेरी शॉप भी है बहुत, मतलब अब तो मैंने शॉप ऑफ़ कर दी है, मैं शॉप पर जाना छोड़ दिया मैंने, तो मैं नहीं जाती, वो भी मैंने शॉप पर जाना मैंने क्यों छोड़ा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्यों छोड़ा, मैं लास्ट में बताऊँगी आपको कि मैंने क्यों छोड़ा है शॉप पर जाना। और मैं अपना काम घर पर ही कर रही हूँ फ़िलहाल, तो मेरी एक ही मशीन है और अपनी एक ही मशीन में है, मैं काम करती हूँ सिलाई वगैरह। और आज मैंने एक पैरदान बनाया जो कतरन थी, दुकान पर से लाई थी मैं, तो छोटी छोटी कतरन पड़ी थी और मैंने घर पर ही एक पैरदान बनाया है, सिला है, यूट्यूब से देख कर पैरदान बनाया मैंने, बहुत अच्छा तो नहीं बना, ये तो नहीं कह सकती हूँ कि पहली बार बनाया, थोड़ी इसमें मेरी बहन ने हेल्प की है, जो सबसे छोटी बहन है, और थोड़ी मैंने हेल्प की है, तब जाकर वो पूरा कंटिन्यू हो पाया है। तो मेरे ब्लॉग्स आज अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ ही मैं ब्लॉग डालती हूँ, कोई दिन छूट जाता है, कोई दिन छूट जाता है, वरना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ डालूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखें और मेरी वीडियो से कुछ सीखे। मेरी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है जो मेरी स्टोरी है, मतलब मैंने जीरो से कैसे स्टार्ट किया है और आज मैं मतलब 700-800 रुपए रोज़ का कमा लेती हूँ, और मतलब मुझसे सभी काम आते हैं, और जो भी मैंने काम सीखा है सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। मेकअप करना, मेहंदी लगाना, खाना बनाना और सिलाई करना, डिज़ाइनिंग कोर्स भी मैंने फ़ोन से ही सीखा है, यूट्यूब से मैंने सब चीज़ें सीखी हैं, हर एक चीज़ मैंने यूट्यूब से सीखी है। मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं अपनी लाइफ में जो आज मैं हूँ वो मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है, मैंने नमाज पढ़ना यूट्यूब से सीखा है। और यूट्यूब हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम इस पर कामयाब होकर दिखा सकते हैं, हमारे अंदर जो हुनर है, अगर हम अपने हुनर को निखारेंगे और हम वीडियोस अपलोड करेंगे, अपनी वीडियोस शेयर करेंगे, तो मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि हम लोग बिल्कुल, हमारे सबके हाथ में फ़ोन होता है, सब हम घर पर रहती है, जो लेडी से घर पर रहती है उनके लिए भी, और जो लेडी से बाहर जाती है उनके लिए भी, हमको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अमाउंट हमारी लाइफ में ऐसा आना चाहिए जिससे हम अपनी ज़रूरतें, अपने सपने पूरे करें। और एक बात है, मेरी बात है ये दिल की, आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, मतलब सब लड़कियों का, सब औरतों का ये सपना होता है कि वो अपना घर खरीदे, उनका एक छोटा सा घर हो प्यारा सा, सब ये चाहते हैं। मेरा भी यही सपना है कि मैं अपनी कमाई से, अपनी मेहनत करके एक घर खरीदूँ, और मैं मतलब मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा एक घर हो, छोटा सा अलग मेरा एक घर हो जिसमें मैं सुकून से रह सकूँ, जिस घर को कोई ये ना कहे कि ये मेरी सास का घर है या ये मेरी माँ का घर है, मैं उसको कह सकूँ कि ये मेरा घर है, ये मैंने अपनी कमाई से बनाया, मुझे फ़ख्र हो जीने में, ज़िंदगी जीने में। तो यहाँ पर मेरी वीडियोस कंप्लीट होती है, पता नहीं इसमें
सब यही चाहते हैं कि उनका भी कुछ ना कुछ घर हो, वो काम करे, मेहनत करे, और मेरा भी यही सपना है। खैर, हमें जो भी चाहिए हमको अल्लाह ताला से ही दुआ में मांगना चाहिए, और दुआ के साथ साथ हमें मेहनत भी ज़रूर करनी चाहिए। मतलब आजकल के टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो जब हम किसी चीज़ के लिए दुआ मांगे तो मेहनत भी करें, दुआ मांगे, यकीन भी रखे, पक्का पुख्ता यकीन रखे कि जो हमने मांगा है वो हमको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, वो हमें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। तो ये वीडियो ख़त्म होती है मेरे यहीं पर।